नमस्कार, मैं हूं बालवीर और आप देख रहे हैं बालवीर 3। बालवीर की जर्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू सोनी सब एंड हिट द बेल आइकन। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको देख सकती हूं? क्योंकि बालवीर और मेरा कोई कनेक्शन है। बालवीर और मेरा क्या कनेक्शन? हो सकता है उसने हमारी तरह तुम्हें भी कोई दर्द दिया, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया और तुम्हें खुद को नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर ने मुझे दर्द दिया और मुझे ही पता नहीं चला? हो सकता है कि उसने तुम्हें पता ही ना लगने दिया, जैसे उसी ने तुम्हारे एक्सीडेंट को प्लान करके तुम्हें बचाने का नाटक किया था। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से कोशिश कर सकती हूँ पता लगाने की, बस मुझे तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे उसके लिए। मेरे फिंगरप्रिंट्स? अगर तुम चाहो तो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए कह रही थी। चलती हूँ मैं। रोको मुझे काशवी, क्योंकि मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स से ज्यादा तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। अग्नि रुको। ले लो मेरे फिंगरप्रिंट्स, देखते क्या रिजल्ट आता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। शाश्वत रहे शाश्वत। आप सब सोच रहे होंगे कि हमने इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई है, क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे हम सब बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानी किसी समस्या का समाधान नहीं है। और बहुत सोच विचार करने के बाद हमने एक निर्णय लिया है, और यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका असर न सिर्फ आपके आज पर बल्कि आपके आने वाले कल पर भी होगा, पूरे साशवान लोक पर और पूरे के पूरे ब्रह्मांड के भविष्य पर होगा। शशवान, ये क्या बोल रहे हैं? आज से करीब 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने धरती लोक और बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए एक परंपरा शुरू करने की योजना बनाई थी। उस परंपरा का नाम है बालवीर। कई सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और कठिन तपस्या का परिणाम है बालवीर। बालवीर किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि का नाम नहीं है। बालवीर एक पहचान है, एक जिम्मेदारी है। आपके आने वाले कल के हर एक पल को सुरक्षित रखने का वादा है, वो वादा जो साशवान लोक ने पूरे ब्रह्मांड से किया था। और हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस परंपरा का रक्षक और बालवीर का गुरु होने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस बालवीर ने ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे के पूरे साशवान लोक का सर झुका दिया है। और अब इस बालवीर को रोकना और पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने ही इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया है। इसलिए बड़े अफसोस के साथ हमें यह ऐलान करना पड़ रहा है, इस बालवीर को रोकने के लिए, बालवीर की इस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बालवीर की परंपरा को समाप्त करना होगा। ये मामाइनुत्तान ने क्या बोल दिया? अगर ऐसा हुआ तो मैं अगला बालवीर कैसे बनूंगा? महामहिम, क्या आपने ऐसा निर्णय सुना दिया? महामहिम, एक गलत बालवीर की वजह से आपने बालवीर की परंपरा ही खत्म कर दी। महामहिम, आपका ये कदम आगे जाके हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपने ये कदम उठाया तो भविष्य में दोबारा कभी कोई बालवीर नहीं बन पाएगा। हम जानते हैं सशमाल, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारे सवाल दोनों जायज हैं, लेकिन हम फैसला ले चुके हैं। तो क्या आप बी को नष्ट कर देंगे? हाँ, बालवीर, साशवान सेना का पहरा है यहाँ। अंतरिक्ष विमान तैयार होने को है। अगर उत्तान वीर तारा तक पहुंच गए तो हम बालवीर को हमेशा के लिए खो देंगे। बालवीर निर्दोष है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। कुछ करना होगा हमें। वहां पर क्या कर सकते हैं हम? वामीर, बालवीर को खत्म होने से सिर्फ बालवीर बचा सकता है। हमें उस तक ये खबर पहुंचानी होगी। तो बालवीर को फोन करें? नहीं वामीर, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब से बालवीर फरार हुआ है, सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम सर्वेलेंस पर है। अगर हमने उससे बात की तो हमें भी कैद कर लेंगे। तो करें क्या? बालवीर को हम खो नहीं सकते, वो हमारे बचपन का साथी है। बचपन का साथी? क्या सुझाव दिया है वामीर? अब ये पहरेदार 5 मिनट तक गहरी नींद में सो चुके हैं, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। शशमाक, क्या हो गया तुम्हें? इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? अरे कितनी बार कह चुका हूं कि अब बालवीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कम वक्त बचा है। बालवीर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डर, दुश्मन को कमजोर समझना अपने आप में सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और फिर यह तो बालवीर है। जो लोग सोचने से डरते हैं वो ये करने में माहिर है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ भी कमजोरी की निशानी है। तुम नहीं समझोगे होबाद, हमें बस बहुत 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 ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर बालवीर ने मुझे खूनी साबित करने का तरीका ढूंढ लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शशमाक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता रहता है कि बालवीर यहीं कहीं है, आसपास। बादलों से ऐसी आवाज हम बचपन में निकालते थे ना, ये तो हमारा सीक्रेट कोड है। हाँ, याद है ना? बादलों की ये आवाज सुन बालवीर दौड़ा चला आता था। देखना, आज भी आएगा। और बादलों की ये आवाज तो सैकड़ों मीलों तक जाएगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। बस बालवीर की आवाज सुन ले। चलो बालवीर। नहीं बेना, ये गलत संदेश है। दिलक और वामीन ने मुझे भेजा है। वो सब बाद में देख लेना, फिलहाल हमें ये काम करना है। नहीं बेना, ये हमारा इमरजेंसी कोड है जो दिलक, वामीन और मैंने बचपन में बनाया था। जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं तो बादल की गरज से मुझे इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं, और इसीलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, मेरी बात को समझो। बालवीर का जवाब आ गया। मतलब बालवीर हमारी आवाज सुन रहे हैं। दिलनाग, जल्दी से दूसरा मैसेज भेजो। हाँ। बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। चलो। नहीं बेना, मुझे बस एक बार उनका जवाब सुन लेने दो, पता चल जाए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। बालवीर, बी का निशान? बी का निशान तो तुम्हारे सारी सुपर पावर्स का स्रोत है ना, जिसे वी तारा में छिपाकर रखा गया है। ये निशान दिखाकर वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। आमिर, अब तुम्हारी बारी। उम्मीद यही है कि बालवीर यहाँ आने की सोच भी ना रहा हो, लेकिन अगर सोच भी रहा होगा ना तो हमारा ये सीक्रेट कोड पढ़ के नहीं आएगा। यानी तुम्हारे बी का निशान तुम्हारे सारी शक्तियों का स्रोत उत्तान मिटाने वाले हैं। और बी नष्ट होते ही बालवीर की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी और मेरा अस्तित्व भी। तो महामहिम उत्तान ने ये रास्ता चुना है मुझे रोकने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.